आज सभी लोग घर के बाहर बैठे हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड मोबाइल में फ्री फायर गेम खेल रहे हैं और बाबा अपने दादाजी की पुरानी किताब पढ़ रहे हैं और सभी लोग मिलकर लल्लू राम के समोसे खा रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी गुल्ली बुल्ली के घर के सामने एक बस आकर रुकती है। उस गाड़ी से दो बच्चे बाहर निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली उन्हें देखकर तुरंत समझ जाते हैं, ये तो उनके भांजे हैं जो यहाँ उनसे मिलने आए हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली अपने भांजों को बाबा शॉन और रॉड से मिलवाते हैं। बाबा इनका नाम नोनू मोनू है और ये मेरे भांजे हैं और मेरे भी। ये सुनकर बाबा रॉड और शॉन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शॉन कहता है, वाह अब से ये मेरे दोस्त, अब हम सब मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। शॉन उनसे उनका नाम पूछता है। मेरा नाम नोनू है और इसका नाम मोनू है और आज हम अपने मामा से मिलने आए हैं। तभी गुल्ली उनसे पूछता है, तुम लोग बिना बताए अचानक से मुझसे मिलने क्यों आए? नोनू कहता है, हम यहाँ आप सबकी मदद लेने आए हैं। हमारे गांव में ममीज और इविल नन्ने मिलकर आतंक मचा रखा है। रोज कई सारी ममीज और एक इविल नन आती है और हमारे गांव से किसी को पकड़कर ले जाती है और उसे पकाकर खा जाती हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। नोनू कहता है, गांव के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, अगर ममीज और इविल नन को नहीं रोका गया तो वो लोग मिलकर गाँव के सभी लोगों को खा जाएंगी। ये सुनकर बाबा उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग डरो मत, हम सभी मिलकर उन ममीज और इविल नन को रोक कर रहेंगे। बाबा गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड से कहते हैं, हम सभी लोग मिलकर इनके गांव पर चलेंगे और इविल नन और ममीज को मारकर इनके गांव को छुड़ा लेंगे। इतना कहकर बाबा वहां बादल को बुलाते हैं। चलो सभी लोग बादल पर बैठ जाओ। नोनू मोनू गुल्ली बुल्ली बाबा शॉन और रॉड आकर बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और नोनू मोनू के गांव की तरफ ले जाने लगते हैं। काफी देर सफर करने के बाद सभी लोग नोनू मोनू के गांव पर पहुंच जाते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। सभी लोग बादल से नीचे आते हैं। बाबा नोनू से पूछते हैं, कब आएंगी ममीज और इविल नन? नोनू कहता है, इविल नन और ममीज रात के समय आती है, लगता है उनका समय हो गया है, वो बस आती ही होंगी। वो देखो, वो रही इविल नन और ममीज, वो इधर ही आ रही हैं। आने दो उन्हें, हम यहीं रहेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। ममीज और इविल नन उड़कर इधर ही आ रही है। सारी ममीज और इविल नन जमीन पर उतरती हैं। सारी ममीज और इविल नन अपने सामने इतने सारे इंसानों को देखती हैं। ये देखते ही इविल नन कहती है, अरे वाह आज तो शिकार हमारे सामने खड़ा है। इविल नन ममीज से कहती है, जाकर उन लोगों को पकड़ कर लाओ। ये सुनकर ममीज उन लोगों के पास जाने लगती है। तभी बाबा ममीज से कहते हैं, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मम्मी कहती है, तू कौन होता है बुड्ढे हमें रोकने वाला? हम तो तेरे साथ इन सभी को पकड़ कर ले जाएंगे और सभी को पका कर खाएंगे। मम्मी इतना बोल ही रही थी, तभी बाबा मम्मी को ऐसा मारते हैं जिससे मम्मी बहुत दूर जाकर गिरती है। इविल नन ये देखकर भड़क जाती है। इविल नन मम्मी से कहती है, जाओ उस बुड्ढे को मारो। अकेले ही सारी ममीज को मार रहे हैं। इविल नन और ममीज का बॉस ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अपनी मम्मी आर्मी को पिटते हुए देखकर मम्मी बॉस कहता है, मैं इस बुड्ढे को नहीं छोड़ूंगा। और मम्मी बॉस दौड़कर बाबा की तरफ जाने लगता है।
इससे पहले मम्मी बॉस बाबा के पास पहुंच पाता, मम्मी बॉस के सामने गुल्ली और बुल्ली आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, पहले हमसे तो निपट लो। ये सुनकर मम्मी बॉस भड़क जाता है। मम्मी बॉस गुल्ली और बुल्ली को एक एक कर मारता है और उन्हें दूर फेंक देता है। मम्मी बॉस को गुल्ली बुल्ली को मारते हुए बाबा देख लेते हैं। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली को नुकसान पहुंचाकर तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और बाबा दौड़कर मम्मी बॉस के पास जाने लगते हैं। बाबा जैसे ही उसके पास आते हैं, मम्मी बॉस बाबा को मारता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब सिर्फ मोनू मोनू शॉन और रॉड होश में बचे हैं। मम्मी बॉस कहता है, हम इन बचे हुए लोगों को पकड़कर ले जाएंगे, आज हम इन्हीं लोगों को पकाकर खाएंगे, पकड़ लो इन्हें। मम्मी उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगती है और मोनू मोनू और शॉन से कहता है, सभी लोग जल्दी यहाँ से भागो। इससे पहले वो लोग यहाँ से भाग पाते, मम्मीज चारों को पकड़ लेती है और सारी मम्मीज और इविलन वहाँ से उड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाबा को होश आता है। होश में आते ही बाबा देखते हैं, यहाँ तो नोनू मोनू शॉन और रॉड है ही नहीं। बाबा को गुल्ली बुल्ली बेहोश दिखाई देते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं और गुल्ली बुल्ली को उठाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली को सारी बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं, हमें कैसे भी कर नोनू मोनू शॉन और रॉड को बचाना होगा। गुल्ली कहता है, आखिर वो मम्मी और इविलन उन लोगों को लेकर कहाँ गई होगी। बाबा कहते हैं, आओ हम किसी गाँव वाले से पूछते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। घर का दरवाजा एक बूढ़ा आदमी खोलता है। बाबा उस बूढ़े आदमी को सारी बात बताते हैं और पूछते हैं, क्या आपको पता है मम्मीज और इविलन हमारे साथियों को लेकर कहाँ गई होंगी। वो बूढ़े अंकल गुल्ली बुल्ली और बाबा को बताते हैं कि तुम अब अपने साथियों को भूल जाओ, वो मम्मीज और इविलन उन लोगों को पका कर खा जाएंगी, और अगर तुम उन्हें बचाने की कोशिश करते भी हो तो वो तुम्हें भी पका कर खा जाएंगे। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्तियाँ हो, मम्मी बॉस किसी को नहीं छोड़ता, उसके पास बहुत शक्तियाँ है, वो हर किसी को मार देता है। बाबा कहते हैं, मैं अपने साथियों को बचा कर रहूंगा और मैं उस मम्मी बॉस को सबक सिखा कर रहूंगा, आप बताओ वो उन्हें लेकर कहाँ गए होंगे। वो उन्हें लेकर अपने महल में गए होंगे, वो महल यहाँ से काफी दूरी पर है, उस महल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उस महल की रखवाली बहुत सारे मॉन्स्टर्स करते हैं। तुम्हें उन मॉन्स्टरों को हराकर महल के अंदर जाना होगा और फिर मम्मी से मुकाबला कर अपने साथियों और भांजे को बचाना होगा। बाबा कहते हैं, ठीक है, हम अपने साथी और अपने भांजे को बचा कर रहेंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, चलो बादल पर बैठकर उन लोगों के महल पर चलते हैं और नोनू मोनू शॉन और रॉड को बचा कर लाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा बादल पर बैठकर उस महल की तरफ जाने लगते हैं। काफी देर सफर करने के बाद उन्हें वो महल दिखाई देता है। उस महल तक पहुंचने के लिए इन्हें नदी पार करनी होगी। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। गुल्ली कहता है, बाबा वहाँ तक पहुंचने के लिए हमें इस नदी को पार करना होगा, हम बादल पर ही बैठकर इस नदी को पार कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, अगर हम बादल पर बैठकर इस नदी को पार करेंगे तो मॉन्स्टर्स को हमारे बारे में पता चल जाएगा और मॉन्स्टर्स हमें पकड़ लेंगे, इसीलिए हमें शांति से उस महल की तरफ जाना होगा। इस नदी को हम उस बोट से पार करेंगे। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा बादल से नीचे उतरते हैं। वो लोग उस बोट की तरफ जाने लगते हैं। सभी लोग आकर बोट पर बैठते हैं। बाबा बोट को चलाते हैं और बोट को महल की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा जैसे ही नदी के बीचों बीच आते हैं, मगरमच्छ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, तुम लोग नीचे छिप जाओ, मैं इन मगरमच्छों को संभालता हूँ। गुल्ली बुल्ली बोट के अंदर छिप जाते हैं। बाबा एक एक कर चारों मगरमच्छों को मार देते हैं। मगरमच्छों को मारने के बाद सभी लोग महल की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और बाबा महल के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग बोट से नीचे उतरते हैं और महल की तरफ जाने लगते हैं।
उल्ली बुल्ली और बाबा महल के अंदर आते हैं। अंदर आते ही उन्होंने देखा यहाँ तो इविल नन और ममीज है ही नहीं। उल्ली बुल्ली और बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग नोनू मोनू शॉन और रॉड को लेकर किधर गए हैं। अभी ये लोग ये सोच ही रहे थे तभी इनके चारों तरफ कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर उल्ली बुल्ली और बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा मॉन्स्टर्स से कहते हैं हम यहाँ अपने दोस्तों को बचाने आए थे लेकिन हमें लगता है हम किसी गलत जगह आ गए हैं। अगर तुमने हमें कुछ नहीं किया तो हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। मॉन्स्टर कहता है तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। ममीज और एविल नन तुम्हारे दोस्तों को लेकर यहीं आई थी लेकिन तुम लोगों को यहाँ आते हुए उन्होंने देख लिया और वो लोग अब दूसरी जगह चले गए हैं। अब तुम लोग यहाँ से बाहर जा भी नहीं सकते क्योंकि हम सभी अब तुम लोगों को मिलकर पकड़ लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा करने की सोचना भी मत। अगर तुम लोगों ने हमें छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे तभी मॉन्स्टर बाबा को मारता है जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा को मारकर मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी गुल्ली को गुस्सा आ जाता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है हमें इन मॉन्स्टरों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो मैं इन मॉन्स्टरों का क्या करता हूँ। गुल्ली बहुत गुस्से में लग रहा है। गुल्ली एक एक कर सारे मॉन्स्टरों को मारने लगता है। मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली ने दो मॉन्स्टरों को धूल चटा दिया है। गुल्ली जैसे ही तीसरे मॉन्स्टर को मारने जाता है तीसरा मॉन्स्टर गुल्ली को मार देता है जिससे गुल्ली भी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। गुल्ली को मारकर मॉन्स्टर गुल्ली की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी बाबा को होश आ जाता है। बाबा दौड़कर मॉन्स्टर की तरफ जाते हैं और मॉन्स्टर को मारते हैं जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाबा भी दोनों मॉन्स्टरों को मार देते हैं। मॉन्स्टर को मारकर बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं मम्मी और इविल नन तो यहाँ है ही नहीं। लगता है ये उनकी कोई चाल थी। वो लोग हमें इन मॉन्स्टरों के बीच फंसा कर खुद यहाँ से फरार हो गए हैं। गुल्ली बाबा से कहता है बाबा इन मॉन्स्टरों से ही इविल नन और ममीज का दूसरा ठिकाना पूछिए इन्हें जरूर पता होगा वो लोग कहाँ गए हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा मॉन्स्टर के पास आते हैं और मॉन्स्टर से कहते हैं बाबा कहते हैं जल्दी मम्मी और इविल नन का ठिकाना बताओ वरना मैं तुम्हें अपनी लेजर से जला दूंगा। मॉन्स्टर बाबा से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मॉन्स्टर कहता है मैं उनका ठिकाना बताता हूँ। मॉन्स्टर कहता है मम्मी और इविल नन तुम्हारे साथियों को लेकर पुराने तालाब के पास गए हैं। उस पुराने तालाब तक पहुंचने का रास्ता उस नक्शे में है। ये सुनते ही बाबा अपनी लेजर से चारों मॉन्स्टरों को जला देते हैं। बाबा कहते हैं तुम लोग यहीं रुको मैं उस नक्शे को लेकर आता हूँ। बाबा दौड़कर जाते हैं और उस नक्शे को उठा लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं हमें जल्दी पुराने तालाब तक पहुंचना होगा। बाबा वहां बादल को बुलाते हैं। गुल्ली बुल्ली और बाबा बादल पर बैठते हैं और नक्शे को देखकर पुराने तालाब की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग पुराने तालाब के पास पहुंच जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा केविन और मम्मी मिलकर डांस कर रही हैं और नोनू मोनू केविन और रॉड को एक बर्तन में डालकर पका रही हैं। ये देखते ही बाबा भड़क जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं तुम लोग यहीं रुको मैं जाकर नोनू मोनू शॉन और रॉड को बचा कर लाता हूँ। इतना कहकर बाबा बादल से नीचे उतर जाते हैं। बाबा जैसे ही बादल से नीचे उतरते हैं इविल नन और ममीज बाबा को देख लेती हैं। बाबा को देखकर इविल नन और ममीज बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं। इविल नन ममीज से कहती है ये बुड्ढा यहाँ भी आ गया सभी लोग जाकर इसकी अच्छे से धुलाई करो। ये सुनकर ममीज बाबा की तरफ दौड़ कर आने लगती हैं। बुल्ली बुल्ली ये देखकर घबरा जाते हैं। ममीज एक एक कर बाबा के ऊपर चढ़ जाती हैं। लेकिन तभी बाबा एक साथ सभी ममीज को दूर फेंक देते हैं। बाबा एक एक कर सभी ममीज को मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा सभी ममीज का सफाया कर देते हैं। इविल नन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। बाबा इविल नन से कहते हैं
तुम मेरे साथियों को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा जो इन ममीज का हुआ है। अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे तभी इविल नन जोर जोर से हंसने लगती है। बाबा कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। लेकिन बाबा को नहीं पता है कि बाबा के पीछे ममीज का बॉस खड़ा है। बाबा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, बाबा को उनके पीछे मम्मी बॉस दिखाई देता है। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मम्मी बॉस बहुत गुस्से में लग रहा है क्योंकि बाबा ने उसके सभी साथियों को मार दिया है। मम्मी बॉस बाबा को मारता है जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। बाबा उठकर खड़े होते हैं। तभी मम्मी बॉस अपनी जादुई शक्तियों से जमीन के अंदर से और भी ममीज निकलवाता है। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बाबा अब क्या करे। बाबा इतनी सारी ममीज का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। इधर गुल्ली बुल्ली बादल पर बैठे बैठे सारी चीजें देख रहे थे। गुल्ली बुल्ली बहुत ज्यादा डर चुके हैं। तभी गुल्ली को बादल के ऊपर एक बंदूक दिखाई देती है। गुल्ली फटाक से उस बंदूक को उठाता है और बाबा से कहता है बाबा आप नोनू मोनू शॉन और रॉड को बचाओ, मैं इन ममीज और इविल नन को देख लेता हूँ। इतना कहते ही गुल्ली उस बंदूक से ममीज के ऊपर फायरिंग करने लगता है और सभी ममीज को मारने लगता है। बाबा मौका देखकर नोनू मोनू शॉन और रॉड को बचाने जाने लगते हैं। लेकिन तभी बाबा के सामने मम्मी बॉस आ जाता है। मम्मी बॉस बाबा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मम्मी बॉस बाबा से कहता है अगर तुम्हें तुम्हारे साथी चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। बाबा गुस्से में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे मेरे साथियों को बचाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बाबा के इतना कहने के बाद भी मम्मी बॉस बाबा के सामने से नहीं हटता। बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन होने लगता है। थोड़ी ही देर में बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं। बाबा मम्मी बॉस की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। बाबा मम्मी बॉस को एक पंच मारते हैं जिससे मम्मी बॉस दूर जाकर गिरता है। बाबा का पंच खाते ही मम्मी बॉस बहुत ज्यादा डर जाता है। मम्मी बॉस उठता है और कहता है तेरे अंदर अचानक से इतनी शक्तियाँ क्यों आ गई? अभी मम्मी बॉस इतना बोल ही रहा था तभी बाबा देखते हैं इविल नन गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए बादल के ऊपर चढ़ चुकी है। बाबा को गुल्ली बुल्ली को भी बचाना होगा। बाबा लेजर से मम्मी बॉस के ऊपर हमला करते हैं। लेजर लगते ही मम्मी बॉस दूर जाकर गिरता है। बाबा तुरंत बादल के ऊपर आते हैं और इविल नन को मारकर नीचे गिरा देते हैं और बाबा इविल नन के ऊपर कूद जाते हैं जिससे इविल नन जमीन के अंदर चली जाती है और फिर बाबा अपनी लेजर से इविल नन को जला देते हैं। इधर मम्मी बॉस वापस से उठ चुका है। मम्मी बॉस सारी चीजें देखकर और भी ज्यादा भड़क गया है। मम्मी बॉस दौड़कर बाबा की तरफ आता है और बाबा को मारने की कोशिश करता है लेकिन बाबा मम्मी बॉस के हमले से बच जाते हैं। बाबा मम्मी बॉस को एक बार और लात मारते हैं जिससे मम्मी बॉस और भी दूर जाकर गिरता है। मम्मी बॉस को मारते ही बाबा तुरंत नोनू मोनू शॉन और रॉड के पास आते हैं। बाबा सभी लोगों को कड़ाही से बाहर निकालते हैं। बाबा कहते हैं हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बाबा बादल को नीचे उतरवाते हैं। सभी लोग बादल पर बैठते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं लेकिन तभी मम्मी बॉस को वापस से होश आ गया है। मम्मी बॉस उठता है। मम्मी बॉस देखता है सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मम्मी बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। मम्मी बॉस कूद कर बादल के ऊपर चढ़ जाता है। मम्मी बॉस की इन सब हरकतों को देख कर गुल्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। हमला करने लगता है। बहुत सारी गोलियां खाने के बाद आखिरकार मम्मी बॉस मर गया। मम्मी बॉस नीचे गिरता है और जलकर राख बन जाता है। बाबा गुल्ली बुल्ली नूनू मोनू शॉन और रॉड से कहते हैं चलो सभी लोग घर पर चलते हैं और चलकर पार्टी करते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग खुशी खुशी घर की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।